कैमरा की तरफ थोड़ा देख, इधर नहीं देखना, लोग आपको भी देखना चाह रहे हैं। मैं आपको देखना चाह रहा हूँ। आप देख रहे थे अभी दिल्ली पर? नहीं, सारी रात देखता रहूंगा। एक नाम है जो हर रोज याद आता है, कभी सुबह और कभी शाम आता है, फिर सोचते हैं कि कल ले मोहब्बत और फिर पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है। फिर धोखा मिला? एक दफा कैसे मिल गया? मंगनी होगी कजन के साथ। मंगनी होगी आपके कजन के साथ। वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी पाकिस्तान। आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे मस्त क्लिक करें। इकबाल के एक और शाहीन मौजूद हैं जी, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर, आमिर खान? नहीं नहीं, आमिर खाली। आमिर खाली, आमिर खाली कौन सा नाम हुआ? यानी कि आमिर आबिद। आमिर आबिद नाम है जी। आपके अब्बा का नाम आबिद है, सही हो गया। आमिर साहब क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। किस चीज़ का? गारमेंट्स का। आप छोटे से हैं और आपका बिजनेस है, ये कैसे है? इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई है? इन्वेस्टमेंट नहीं की, ऐसे ही वैसे बिजनेस नहीं की, लेकिन बिजनेस कैसे बन सकता है विदाउट इन्वेस्टमेंट? पापा का बिजनेस है ना, तो उनके जाने के बाद अब मेरे पास है। अच्छा, वो कहाँ गए? वो फोत हो गए। वेरी सैड, सॉरी। अच्छा, तो कितने टाइम से आपने बिजनेस संभाला है? तकरीबन 7 साल हो गए। तब आप कितने साल के? अभी मैं 24 का हूँ, तो तब मैं 17 का था। ये वैसे बड़ी बात, ऑनेस्टली यही कह रही हूँ, जब पेरेंट्स में से कोई भी ना हो तो या तो बच्चे ख़राब हो जाते हैं या उनमें एहसास आ जाता है। ज़्यादा बच्चे जो है ना वो गलत राहों की तरफ चले जाते हैं, और अगर स्पेशली छोटी एज का बंदा हो तो वो कहता है यार मैं ही क्यों बर्डन ले लूँ, मुझे तो अभी इन्जॉय करना है लड़कों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। बट अगर आपने 17 साल की एज में बिजनेस संभाला, सो थैंक हेड्स ऑफ टू यू। क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है, एहसास होना चाहिए घर वालों का, क्योंकि फर्स्ट प्रियोरिटी आपका घर है। किसी ने बाहर से खिलाना नहीं है, किसी ने कुछ देना नहीं है। जो ये नहीं कि दोस्त को छोड़ दो, उसको छोड़ दो, सबको टाइम दो, लेकिन एक लिमिट में रह गए। कितने दोस्त हैं मेरे? काफ़ी हैं। फिर भी कितने? बहुत ज़्यादा। बेस्ट फ्रेंड्स उसमें से? बेस्ट फ्रेंड्स कम है, बाकी दोस्त तो बहुत ज़्यादा। दोस्त तो वो पीआर होती है ऑब्वियसली, मेरी भी पीआर बहुत ज़्यादा, लेकिन दोस्त अच्छे वाले दोस्त बहुत कम। यूनिक दोस्त हैं जो अच्छे हैं, वो नाम क्या है उनका? 3 से 4 हैं, अवैस, अदील, और एक का नाम बिलाल है और एक का नाम हसन है, और हसनैन, 5 दोस्त हैं। हसनैन ज़बरदस्त हो गया। कैमरा की तरफ थोड़ा देख, सारा इधर नहीं देखना, लोग आपको भी देखना चाह रहे हैं। मैं आपको देखना चाह रहा हूँ। आप देख रहे थे अभी दिल्ली पर? नहीं। कितना देखना और भाई? मैं सारी रात देखता रहूँगा आपको। फिर तो तस्वीर ही निकाल के देख सकते हैं। नहीं, मैं आपकी वीडियोज भी देखता रहता हूँ ना टिकटॉक पे। चले जी, आप लोगों की मोहब्बत है, थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आगे इसी बिजनेस को रन करना है? इसी को रन करना। कौन कौन से मुल्क गए हैं कि सिर्फ अभी पाकिस्तान? नहीं, दुबई तक। दुबई तक? दुबई में मज़ा आया? हाँ, काफ़ी। वहाँ कज़न भी है मेरा, तो हाँ। एक्सपेंसिव है दुबई? नॉर्मल है, ज़्यादा। पहला बंदा मुझे मिला है जो कह रहा है कि दुबई एक्सपेंसिव नहीं है। नहीं है, बहुत से लोग आके कहते हैं बहुत महंगा। नहीं नहीं, वो गलत कहते हैं, वो अपनी पीआर बढ़ाना चाह रहे थे कि हम महंगे मुल्क से हो गए हैं, हम महंगी शॉपिंग करके आए हैं। सस्ता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नॉर्मल है। महंगी उधर चीज़ क्या आपने उधर से ट्राई की या खरीदी या क्या? मैंने वहाँ से शॉपिंग की है। किस ब्रांड? वहाँ पे काफ़ी हैं, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन वहाँ पे काफ़ी हैं। की शॉपिंग की? लिवाइस से की है। वहाँ से? लिवाइस से। कितने की शॉपिंग की? तकरीबन 100-150 के करीब। 100-150 रियाल। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। तो दुबई में जाके बंदा जब सिंगल जाता है ना उधर, उसको बड़ा फील होता है मैं सिंगल हूँ। तो आपको कुछ ऐसा हुआ? नहीं नहीं, नहीं। आपने कज़न्स के साथ मस्तियाँ की, कहाँ कहाँ घूमे उधर? वहाँ पे तकरीबन सारा दुबई, बुर्ज खलीफा, हर जगह पे घूम के आया हूँ। बुर्ज खलीफा से लेके हर चीज़। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी वहाँ की? जो वहाँ पे ड्राइविंग करना अच्छा लगा, गाड़ी की ड्राइविंग करना अच्छा। सही हो गया। कोई हिडन टैलेंट? गाना, शायरी। शायरी ये पकड़े, शेर सुना। एक नाम है जो हर रोज़ याद आता है, कभी सुबह और कभी शाम आता है, फिर सोचते हैं कि कल ले मोहब्बत, फिर सोचते हैं कि कल ले मोहब्बत और फिर पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है। कभी धोखा मिला? एक दफ़ा कैसे मिल गया था? उसकी मंगनी होगी कजन के साथ। मंगनी होगी आपके कजन के साथ? कजन के साथ। बाहर थे ना, फैमिली मेरी बाहर थी। तो कितनी साल की मोहब्बत थी? 4। 4 साल? 4 साल के बाद उसकी मंगनी हो गई? उसने कहा, कैसा लगा? घर वालों ने मंगनी कर दी, मोबाइल भी ले लिया मुझसे, आखिरी रब्ता है। तो दिल में छुड़ियाँ चली? चल गई यार, ये बड़ा दुख हुआ मुझे सुन के, लेकिन हर अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू जी। वेलकम। अर्ज क्या है कि करोगी मोहब्बत तो चेहरे पे उदासी छाएगी,
छाएगी जो उदासी तुम्हें नींद ना आएगी, जो नींद ना तुम्हें आए तो चेहरे पे असर होगा, जो असर होगा चेहरे पे तो तू नजरें चुराएगी, जो तू नजरें चुराएगी तो ना जाने कब तक मिलने ना आएगी, तुम मिलने ना आओ ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए, और करोगी मोहब्बत तो वो रात भी आएगी, दर पे तेरे किसी की बारात भी आएगी, जब चारों ओर से तुझे शहनाया घेर लेंगी, मतलब के शोर मचाती हुई तन्हाया घेर लेंगी, प्यार तुझे तेरे माँ बाप का भी सच्चा ना लगेगा, साहिल के बाद तुझे कुछ भी अच्छा ना लगेगा, फिर भी कहाँ ख़त्म कहानी की शुरुआत करोगी, शादी के बाद मिलने ना सही फ़ोन पे तो बात करोगी। इकबाल के एक और शाहीन मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं और इनका हिडन टैलेंट जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है। साहिल, साहिल पे खड़े हमने शाम इसी तरह तो लोग अक्सर गाने बोलते हैं आप जी, जहाँ भी काम करता हूँ वहाँ पे सब लोग ऐसे साहिल पे खड़े किनारा ये सब कहते हैं। सही हो गया। तो क्या सोच के अम्मा अब्बा ने ये नाम रखा? ये तो माँ बाप को पता होगा। अच्छा जी, साहिल क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कौन सी जॉब? मैं लामा रिटेल जो ब्रांड है ना वहाँ पे मैं सेलमैन हूँ। गुलबर्ग? यस। अच्छा सही है, बड़े एक्सपेंसिव कपड़े हैं यार उनके। जी जी। तो आप लोगों को डिस्काउंट मिलता है? यस 30% मिलता है, अगर सेल हो तो 50% भी मिलता है। अच्छा, अगर सेल कम भी है तो? जी, अगर हमने लेना हो हम आएंगे तो हमें दो, आप आएंगे तो आपको जरूर दूंगा। बस डन हो गया, हमने कल जाना है लामा रिटेल। सही है, क्योंकि अच्छे कपड़े होते हैं उनके। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं? मैं बचपन से शेरो शायरी करता आ रहा हूँ। शेरो शायरी है या शेरो शायरी? शेरो शायरी है। बचपन से कर रहे हो? जी। बचपन से क्या दिल आ गया था किसी पे? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, वैसे गॉड गिफ्ट है। अच्छा जी, सुनाओ ना फिर कुछ अच्छा सा। कैसी सुनना चाहेंगे आप शायरी? जैसी आप सुनाना चाहें। तो ये मोहब्बत के नाम कुछ कहना चाहूँगा। ठीक है, मोहब्बत के नाम कह दो। तो अर्ज क्या है कि करोगी मोहब्बत तो चेहरे पे उदासी छाएगी, छाएगी जो उदासी तुम्हें नींद ना आएगी, जो नींद ना तुम्हें आए तो चेहरे पे असर होगा, जो असर होगा चेहरे पे तो तू नजरें चुराएगी, जो तू नजरें चुराएगी तो ना जाने कब तक मिलने ना आएगी, तुम मिलने ना आओ ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए, और करोगी मोहब्बत तो वो रात भी आएगी, दर पे तेरे किसी की बारात भी आएगी, जब चारों ओर से तुझे शहनाया घेर लेंगी, मतलब के शोर मचाती हुई तन्हाया घेर लेंगी, प्यार तुझे तेरे माँ बाप का भी सच्चा ना लगेगा, साहिल के बाद तुझे कुछ भी अच्छा ना लगेगा, फिर भी कहाँ ख़त्म कहानी की शुरुआत करोगी, शादी के बाद मिलने ना सही फ़ोन पे तो बात करोगी, मोहब्बत के नाम पे साहिल का इस्तेमाल करोगी, तुम करो इस्तेमाल ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए, और करोगी मोहब्बत तो रोज़ मुलाकात होगी, वक्त ज़ाया होगा फजूल की बात होगी, शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुँचते पहुँचते रात होगी, घर वाले पूछेंगे तो क्या बोलोगी, कुछ बोलोगी भी जा खामोश हो जाओगी, दिल की बातों को सोच के रात भर मुस्कुराओगी, पड़ी मेरी तस्वीर को अपने सीने से लगाओगी, चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेके तुम्हें लोग बुलाएंगे, एक दिन तू इन बातों से तंग आ जाएगी और मुझे पत्थर की तरह तू ठुकरा जाएगी, तू ठुकराए ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए, और करोगी मोहब्बत तो इजहार भी होगा, जमाने से छुप छुप कर प्यार भी होगा, तुमको तकने लगेंगी दुनिया की नज़रें, हम पे रहने लगेंगी लोगों की नज़रें। सुनाओ सुनाओ आगे। बस खत्म होगी? नहीं नहीं शायरी तो तभी वो सार है यार। यार उसका फ्लो नहीं खराब करें। करोगी मोहब्बत तो इजहार भी होगा, जमाने से छुप छुप कर प्यार भी होगा, तुमको तकने लगेंगी लोगों की नजरें, हम पे रहने लगेंगी लोगों की नजरें। यार बस मैं थैंक यू सो मच। लेकिन वो बहुत अच्छा सुनाया, तालियां बजाएं, तालियां बजाएं।